कक्षा का रिवीजन करने जा रहे हैं। ये आपको लेसन पेपर में आएगा, लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तक, ठीक है। सड़क पर सुरक्षा, जैसा कि पाठ से ही पता चल रहा है, सड़क पर सुरक्षा, आप लोग भी सड़क पर निकलते हैं, अगर आप सड़क के नियमों से परिचित हैं तो आपके साथ दुर्घटना का भय नहीं रहता, पर अगर हम असावधानी रखते हैं तो दुर्घटना होने का भय रहता है। तो इस पाठ में सड़क पर चलने के नियमों के विषय में बताया गया है। सड़क पर चलते समय हमें पूरी सावधानी रखना चाहिए, आप लोग बातें नहीं करेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे। विद्यालय की कक्षाओं में आखिरी पीरियड चल रहा था, बच्चे इंतजार में थे कब छुट्टी की घंटी बजे, तभी टन 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 विद्यालय की घंटी बजी, सभी कक्षाओं से सात छात्र निकल पड़े। छुट्टी होते ही भाग दौड़ मच गई। नमिता और अंशुल ये दोनों भाई बहन थे, ये भी तेजी से विद्यालय से बाहर निकले। कुछ दूर चलने के बाद वे सड़क पार करने को भागे, इसी समय एक कार बाईं ओर से आ पहुंची। कार चालक ने तुरंत ब्रेक लगाया, फिर भी अंशुल को हल्का सा धक्का लगा और वो सड़क पर गिर गया। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तभी कार चालक को डांटने लगे। इसी समय नमिता और अंशुल के गुरुजी आगे आए, उन्होंने लोगों को समझाया कि कार चालक का कोई दोष नहीं है। वह दोनों बच्चों को सड़क के पार ले गए। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने कहा, नमिता अंशुल खड़े हो जाओ। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम लोगों को पता है कल क्या हुआ? नमिता अंशुल कार के नीचे आते आते बचे, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों की गलती के कारण। आपको पता है सड़क पर भागना कभी नहीं चाहिए, अगर हम भागते हैं तो गाड़ी वाला भी हमको देखकर घबरा जाता है और अचानक ब्रेक लगाने से या फिर हम उससे टकरा जाते हैं। सड़क पर चलने और सड़क पार करने के कुछ नियम हैं, यदि हम उनका पालन करेंगे तो कभी भी भयंकर दुर्घटना नहीं होगी। देवेश ने खड़े होकर कहा, गुरुजी सड़क पर चलने के नियम क्या हैं, कृपया बताइए। गुरुजी ने कहा, आज हम आपको सड़क पर चलने के मुख्य नियम बताते हैं। सड़क पर सदैव अपने बाएं हाथ पर चलिए, बायां हाथ जानते हैं ये वाला हाथ, ठीक है, ये आपका दायां हाथ है। सड़क के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए छोड़े गए भाग, जिसे हम फुटपाथ भी कहते हैं, चलना चाहिए। तिराए चौराहे या अन्य स्थानों पर कुछ बत्तियां लगी रहती हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जब लाल लाइट जले वाहन को रुकने का हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, पीली बत्ती से चलने को तैयार होने का। कहीं कहीं सड़कों पर पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने के लिए सड़क पर सफ़ेद वर्दी पहने सिपाही खड़े हुए, वे सड़कों पर यातायात और वाहनों को नियंत्रित करते हैं। उनके आदेश को हमको क्या चाहिए, मानना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, गुरुजी अब हम सड़क के नियमों का पालन करेंगे, सड़क पर सावधानी पूर्वक चलेंगे, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों के तो मन में ये बात समझ में आ गई, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप साइकिल चलाते हैं या पैदल जाते हैं तो आपको भी सड़क के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सड़क पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कभी हम सड़क पर चलते हैं, ऊपर बिल्डिंग देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, ऐसा करने से भी दुर्घटना का डर बना रहता है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं।
वर्ड मीनिंग कितना है, ठीक है। कैसे चालक किसको कहते हैं, जो गाड़ी चलाता है ना, या इसका अर्थ लिख देंगे। कैसे मुख्य, मुख्य मतलब होती है पास। इसी प्रकार से व्यस्त, व्यस्त मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, ठीक। और संकेत का मतलब होता है इशारा करना, क्या करना, संकेत करना, इशारा करना। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे, इसमें हम कुछ खाली स्थान लिखेंगे जिनको आपको भरना है। खाली स्थान भरिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पर का नंबर लिखिए, सड़क पर सदैव, सड़क पर सदैव अपने, सड़क पर आप देखिए, सड़क पर सदैव अपने हाथ पर चलना चाहिए, ठीक। का नंबर लाल बत्ती वाहनों को, वाहनों को काहे का संकेत देती है, सुनने का संकेत देती है, इसमें लाल बत्ती आ जाएगा। अब थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर पर हमको क्या करना है, उत्तर लिखना है कुछ। पहला कार के आगे कौन गिरा, कौन गिरा, आपके बच्चों के नाम बताना है। दूसरा गुरु जी ने क्या समझाया, क्या आपको पता है ना, गुरु जी ने यातायात के नियम समझाए थे। अब आपको फोर्थ नंबर पर वाक्य बनाओ। पहला स्कूल, दूसरा सवारी, ठीक है, कार में सवारी ज्यादा थी, बच्चे स्कूल जाते या हम स्कूल जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कॉपी में करके इस पार्ट का रिवीजन करना है। ओके okay?